आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाडली बहना योजना से लाभान्वित बहनों को स्वीकृत पत्र प्रदान करने का सिलसिला जारी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नईगढ़ी विकास खंड के ग्राम पुरवा में अनुसूचित जनजाति परिवारों के घर जाकर बहनों को लाडली बहना योजना के स्वीकृत पत्र प्रदान किए। बैंड बाजे और मंगल गीतों की गूंज के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत पत्रों का वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कल्पना कोल और सोना कोल सहित कई महिलाओं को स्वीकृत पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल से निकली योजना है। बहनों के कल्याण और विकास के लिए यह बड़ा कदम है। लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही यह योजना भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इस योजना से हर महीने बहनों को 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर की सब्जी भाजी जैसी आवश्यकताएं इससे पूरी होंगी। महिलाएं इस रुपए का सही उपयोग करेंगी तथा परिवार की मददगार बनेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम गढ़वा में भी लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा कर रहे थे, उस दिन सुबह विधानसभा चल रही थी, हम सब लोग बैठे हुए थे, तो कोई पहले से सुविचारित योजना नहीं थी। उस दिन बैठे उन्होंने ये बातचीत की और एक चीज का उनके पास रिपोर्ट थी कि आखिरकार ये 1,000 देने से फायदा क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं कि 1,000 हम दे तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। इसके पहले से मध्यप्रदेश की सरकार, शिवराज की सरकार आदिवासियों को झाबुआ धार इलाके में 1,000 रुपए, हमारे जो शहरी आदिवासी हैं, जो हमारे करवा आदिवासी हैं, इनकी महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। और जो सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट में यह है कि वो बढ़िया संयोजन है और जो एकदम से आर्थिक हालत से विपन्नता है उसको थोड़ा सा मदद करने के लिए ये एक आर्थिक मदद के रूप में इसको देखा गया। इसीलिए उसी रूप में तय किया कि जब हम विधानसभा में चलेंगे तो हमको 1,000 रुपए देने की घोषणा करनी है। और उस दिन आए और उन्होंने 1,000 रुपए प्रतिमा देने का वचन देते हुए घोषणा कर दी। पहले हम 1 रुपए आपके खाता में डाले, देखें कि कौन कौन से गड़बड़ है उसकी जांच पूरी करें, और अभी जो रिपोर्ट है वो अलग अलग करके नहीं आई है, पूरे ब्लॉक वाइज नहीं है, पर पूरे जिला में तकरीबन 70 या 72 हजार खाते ऐसे हैं जिनमें पैसा रुपया नहीं गया है। इसका मतलब उन खातों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा लगता है कि दिक्कत हो रही है। ये लाडली बहना योजना के भीतर मैं नईगढ़ी ब्लॉक में हूँ, ग्राम पंचायत पूर्वा में हूँ। 326 लाडली बहना यहाँ पर मात्र पाई थी। पूरे नईगढ़ी में जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के भीतर एक नगर पंचायत है ब्लॉक, 30,000 से ऊपर लाडली बहना पात्र पाई है जिनको 1,000 देना है। इससे ये एक तरह से सामाजिक क्रांति है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि गरीबी से अमीर में होते जा रहे हैं, और आर्थिक तौर पर विपन्न लोगों को आर्थिक तौर पर एक तरह से यह कह सकते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए एक सहायता ग्रुप 1,000 रुपए बहुत बड़े रखता है। इसलिए श्री राज्य को धन्यवाद देता हूं।